हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ज़्यादा चटपटा सा, कुरकुरा सा, करारा सा नाश्ता, जिसे हम बनाएंगे बिना बेसन, बिना सूजी, बिना मैदे के। अगर आप बेसन और सूजी के नाश्ते खा खा के बोर हो चुके हैं तो एक बार इस नाश्ते को जरूर ट्राई करना। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ लाइट वेट भी है, तो आप इसे दिल खोल के खा सकते हैं और इस रेसिपी को आप लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक मीडियम साइज की प्याज ली है, जिसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते तो बिना प्याज के भी इसको बना सकते हैं डियर। तो फ्रेंड, आ गए गैस की तरफ। एक हमने पैन लिया है, अब इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून तक ऑयल, बस इतना ऑयल काफी है। इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑयल जैसे गर्म हो गया, इसमें हम हाफ टी स्पून तक डालेंगे जीरा। जीरे को हम 10 से 15 सेकंड चटका लेंगे, काला हमें जीरे को नहीं करना है। अब इसमें हम अपनी प्याज डाल देंगे और प्याज को हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे, काला नहीं करेंगे, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो यहाँ पे देखिए, एक मिनट के बाद हमारी जो प्याज है वो बिल्कुल लाइट सी गोल्डन ब्राउन हो गई है, बस इतना ही पकाना है। अब इसके बाद हमने एक शिमला मिर्च ली है, जो ग्रीन वाली ली है, आप चाहें तो येलो और रेड वाली भी ले सकते हैं। यहाँ पे एक मीडियम साइज की थी तो मैंने पूरी ली है, अगर आपकी बड़ी है तो आप सिर्फ आधी लेना। तो यहाँ पे शिमला मिर्च को हम अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, 10 से 15 सेकंड मैंने प्याज को और शिमला मिर्च को अच्छे से भून लिया। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, हाफ टी स्पून तक अदरक और लहसुन का पेस्ट, अगर आपके पास ना हो तो आप इस पर कट करके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको 10 से 15 सेकंड भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अगर आप नहीं खाते तो बिना इसके भी बना सकते हैं, आप इसको मत डालना। तो यहाँ पे देखिए, सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से भुन गई है। अब इसमें हम डालेंगे बच्चों के फेवरेट आलू, जो हमने दो मीडियम साइज के आलू लिए थे, जिसको मैंने इस तरह से ग्रेट करके लिया है। आप चाहें तो इसको मैश करके भी ले सकते हैं, ग्रेट या मैश जो भी कीजिए। आलू को ठंडा करके इस्तेमाल करना, गर्म आलू नहीं इसमें जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, दो मीडियम साइज के आलू थे, अगर आपका बड़ा है तो आप सिर्फ एक आलू डालना। और आलू डाल के हम इसके अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि आलू की जितनी भी नमी है वो ख़त्म हो जाए। तो ये आपको ज़रूर करना है, गैस का फ्लेम मीडियम करके आलू को अच्छे से भूनना है। तो यहाँ पे देखिए, आलू को मैंने अच्छे से भून लिया है, इस तरह से इसका सारा पानी खत्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून तक कुटी हुई लाल मिर्च, अगर आपके पास ना हो तो आप पीसी वाली भी डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून तक नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, जितना नमक खाते उतना डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे कलर के लिए टर्मरिक पाउडर, जो हम सिर्फ हाफ टी स्पून डालेंगे, ज़्यादा मत डालना। और अब इसमें हम डालेंगे चौथाई चम्मच गरम मसाला, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे डियर। अब अपने नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए एक बड़ा चम्मच भरकर डालेंगे चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस भी ले सकते हैं एक चम्मच, या फिर आप लोग ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई भी डाल सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो आप टमाटर को पीस के भी इसकी प्यूरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम मसालों को अच्छे से आलू के साथ भूनेंगे ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। मसाले अगर अच्छे से भूनेंगे नहीं तो टेस्ट नहीं आएगा, तो मसालों को भी अच्छे से भूनना है, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आलू और मसाले को अच्छे से भून लिया है वापस से 10 से 15 सेकंड, और कितना प्यारा कलर आ गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे नाश्ते की जान फ्रेश हरा धनिया, जिसको मैंने हाथ से इस तरह से तोड़ कर डाला है। आप चाहे तो इसको चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मत कटना महीन, नहीं तो अच्छा लुक नहीं आएगा। तो थोड़ा सा मोटा मोटा कट करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। और धनिया आप बिल्कुल लास्ट स्टेज पे डालें, और धनिया डालने के बाद आपको ज़्यादा पकाना नहीं है, इस तरह से हम मिक्स कर देंगे, नहीं तो आपका धनिया है वो काला हो जाएगा और कलर अच्छा नहीं आएगा और भी अच्छा नहीं आएगा। तो दोनों प्रोसेस को आपको ज़रूर फॉलो करना है। नमक आपको आलू को भूनने के बाद डालना है, और हरा धनिया आपको सबसे लास्ट में डालना है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा करने के बाद इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने एक पैन ले लिया है, पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून तक ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद हम इसमें डालेंगे दो चम्मच चने की दाल, जिसको मैंने भिगो कर नहीं लिया है, कपड़े से 3 से 4 बार अच्छे से पोंछ लिया है। अगर आपके पास चने की दाल ना हो तो आप उड़द की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, धुली वाली लेना, छिलके वाली मत लेना। और इसी के साथ हम इसमें 2 चम्मच मूंगफली डाल देंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब हम इसको कंटिन्यू चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे अच्छे से, ताकि इसका जो टेस्ट है बिल्कुल अच्छे से निकल आए। तो यहाँ पे दाल को आपको भिगोने का कोई भी झंझट नहीं है, गैस का फ्लेम लो रखना, जो बर्तन लेना थोड़ा सा भारी लेना ताकि जले ना। तो यहाँ पे दाल अच्छे से भुन गई है और मूंगफली भुन गई है। अब इसमें हम 5 कलियां लहसुन की डालेंगे, और इसी के साथ हम इसमें 5 से 6 कड़ी पत्ते डालेंगे। तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है कड़ी पत्ता, आप लोग समझ जाना, 10 से 15 कड़ी पत्ते हैं। और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। अगर आपके पास कड़ी पत्ता ना हो, जिसको मीठी नींबू बोलते हैं, तो आप इसकी जगह पे पुदीना या धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 ग्रीन चिली, जिसको हम इस तरह से तोड़ कर डालेंगे। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप सिर्फ 1 डालना,
और ग्रीन चिली को भी हम अच्छे से 10 से 15 सेकंड भूनने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर जो लाल होने चाहिए, ना बीज निकाल लें ना ही जूस निकाल लें, और टमाटर को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा नमक भी डालेंगे, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे हमें इसको कवर नहीं करना है। और इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा 1/2 टीस्पून तक जीरा डाल देंगे। तो जीरे को हमने ऑयल बेस में भी भुना था क्योंकि ये काला ना हो जाए। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटर को हल्का सा सॉफ्ट होने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे 1 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून तक चाट मसाला, जिससे चटपटा बनेगा। तो यहाँ पे चाट, इसको चीनी भी बोलते हैं, शक्कर भी बोलते हैं, अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसको डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा और लुक भी बहुत प्यारा आएगा। तो इसको डाल के हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से भूनेंगे ताकि चीनी हमारी मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से भुन गए, टमाटर भी हमारे देखिए सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। पकाना नहीं है अब, इसको एक प्लेट में निकाल कर ठंडा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इतना ठंडा हो गया कि हम इसे छू पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार लेंगे, उसके अंदर हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो चलिए हम इसको पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे पानी का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना है क्योंकि हम इसे स्टोर करने की नीयत से बना रहे हैं। अगर आप इसमें पानी डालेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा 3 से 4 दिन में। तो बिना पानी डाले इसको अच्छे से पीस लीजिए। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं डियर। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है, आइए आपको हम दिखा लेते हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है क्योंकि हमने लाल टमाटर का इस्तेमाल किया था। अगर आप लाल टमाटर लेंगे तो बहुत ही अच्छा कलर आएगा। आगे इस तरह से ट्रांसफर करके आपको दिखा रहे हैं, इसकी थिकनेस हमने इस तरह से रखनी है। आप चाहे तो इस चटनी को ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर तड़का लगाऊंगी। तो चलिए फटाफट तड़का लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटा वाला पैन लिया है, आप चाहें तो तड़का पैन भी ले सकते हैं। तड़का लगाने के लिए अब इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें 1/2 टीस्पून तक ऑयल डालेंगे, ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। आप चाहें तो घी और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तड़के के लिए। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें 1 पिंच हींग डालेंगे, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट दोनों आएगा। अब इसके बाद हम इसमें 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे को हम अच्छे से 10 से 15 सेकंड चटका लेंगे, काला नहीं करेंगे। और जब हमारा जीरा अच्छे से चटक जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे सरसों 1/2 टीस्पून तक, और इसको भी हम 10 से 15 सेकंड चटकाएंगे। तो सारी चीज़ें अच्छे से चटकने के बाद हम इसमें 5 से 6 कड़ी पत्ता डाल देंगे लास्ट में, क्योंकि ये बहुत जल्दी काले हो जाते हैं। तो तड़का लग गया, अब इसको लगा देते हैं। तो ये देखिए इस तरह से गर्मा गर्म तड़का इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और तड़का लगाने के बाद जो हमारी चटनी का है लुक है बहुत ही अच्छा हो जाएगा और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप इस चटनी को आराम से 10 से 15 दिन तक बिल्कुल स्टोर करके इंजॉय कर सकते हैं। देखिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना बेहतरीन लग रहा है और कलर देख सकते हैं कितना प्यारा आया है। तो चलिए अब चटनी को हम साइड में रख देते हैं और नाश्ते की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, जब तक ठंडा ना हो आपको नहीं इस्तेमाल करना है। अब इसे एक बड़े साइज के बर्तन में हम ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरह से ट्रांसफर कर लिया, अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आपको बताते हैं। तो फ्रेंड अब इसमें हम डालेंगे चावल का आटा। अगर आपको चावल के आटे की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर कर देंगे। वेट नहीं हमारा 50 ग्राम है, नाप में ये हमारा एक छोटी कटोरी है। अगर आपकी बड़ी कटोरी है तो आपको सिर्फ आधी कटोरी डालनी है। और अब इसको डाल के हम बिना पानी डाले इसको अच्छे से आटे के फॉर्म में आने तक मसल मसल कर गूंदेंगे। तो पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपको लगे ज़रा गीला है तो आप थोड़ा सा आटा और डाल लेना। तो ये देखिए इस तरह से अच्छे से मसलते हुए बिल्कुल आटे के फॉर्म में ले आए हैं। और मेरा आटा जितना ही लगा है जितना मैंने दिखाया था आपको। अगर आपका ज़्यादा लगे तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये डो बहुत ज़्यादा ना हार्ड है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अब इसको हम कवर करके 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि सारे फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से मिल जाए। तब तक हम अपने हाथों को वॉश कर लेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरा काम करेंगे, इसको साइड में रख देंगे। डियर देखिए एक बड़े साइज का बर्तन ले लिया, अब इसमें हम डालेंगे 1/2 गिलास पानी। अगर आप कप से नापेंगे तो आपको एक छोटा कप लग जाएगा। और अब हम क्या करेंगे इसके अंदर डालेंगे नमक। तो नमक हमें ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालेंगे चुटकी भर नमक। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आपके पास कुटी वाली ना हो तो आप पिसी वाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे डालने से बहुत ही अच्छा लुक आएगा। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम 2 से 3 बूंद ऑयल डालेंगे, बस इतना काफी है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। और अब इसमें हम 1/4 चम्मच डालेंगे शुगर, चीनी जिसको शक्कर ही बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना डियर। और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ 2 टेबलस्पून डालना है और इसको अच्छे से घोल लेना है। तो यहाँ पे हम पतला बैटर रखेंगे, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। और सारे लम्ब्स को हमें हटा देना है।
तो ये देखिए रेडी हो चुका है। अब इसको हम साइड में रख दें। मैंने एक चॉपिंग बोर्ड लिया, आप चाहे तो चकला भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लूंगी 4 स्लाइस ब्रेड के, जो मैं व्हाइट वाली इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो ब्राउन वाली भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने बड़ा वाला साइज लिया है, अगर आप चाहे तो छोटा वाला भी ले सकते हैं। तो अगर आपके छोटे वाले हैं तो आप 8 लेना। तो इस ब्रेड का हम क्या इस्तेमाल करेंगे आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम इसके साइड को निकाल लेंगे, क्योंकि इसको हमें इस तरह से यूज नहीं करना है, नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो आप इसका ब्रेड क्रम बना सकते हैं बाद में किसी चीज में डालने के लिए। तो यहाँ पे हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इसकी कटिंग कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए इस तरह से मैंने इसके निकाल लिए हैं। अब हम छोटा वाला मिक्सी का जार लेंगे और उसके अंदर हम इसको इस तरह से मोटा मोटा कट करके, या तोड़ के या कट करके, जैसा भी आपको आसान लगे। तो मैं हाथ से तोड़ रही हूँ और अब इसको हम बढ़िया तरीके से पीस लेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है और कितना बढ़िया तरीके से ये देखिए पीस गया और कितना व्हाइट है। अब चलिए इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से निकाल लिया है। आप इसको इस तरह से बना के स्टोर भी कर सकते हैं, 10 से 15 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और ये देखिए इसका जो लुक होता है बहुत ही प्यारा आता है, अगर आप उसके काले वाले भाग को निकाल देते हैं। तो ये टिप का जरूर फॉलो करना, काला वाला भाग मत इस्तेमाल करना। अब इसको 3 से 4 मिनट हो चुके, आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा ये फूल गया है और सारे फ्लेवर आपस में मिल गए। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको हम इस तरह से 2 से 3 बार मस लेंगे, ताकि ये बिल्कुल हल्के से चिकना हो जाए, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने इसे फूलने का टाइम दिया था। अब चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि ये चिपके ना, क्योंकि इसके अंदर आलू है। और अब हम इसके इस तरह से गोल गोल पहले नींबू के आकार के पेड़े बनाएंगे। ये देखिए नींबू से हल्का सा बड़ा रखना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, ये देखिए इस तरीके से। तो चलिए बाकी बना लेते हैं फिर आपसे। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने बना लिया है, आप इसे बनाकर फ्रिज में भी लगा सकते हैं, जब आपका मन हो आप निकाल कर बना सकते हैं, या फिर जब मेहमान आए तब भी बना सकते हैं। और बना के रख देंगे तो आपकी ये हफ्ते भर की फुर्सत है, आप इसे हफ्ते भर आराम से एंजॉय कर सकते हैं, वो भी बिना फ्रिज के। तो फ्रेंड चलिए इसको बनाना कैसे है वो बताते हैं। तो मैं इस पे बहुत ही सुंदर सी डिजाइन डालूंगी, जो किससे डालूंगी वो आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं ये वाले छन्ने का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये आपको हर किचन में आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसे इसके बिना ही बना सकते हैं, सिंपल टिक्की के शेप में। तो थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और आप अपनी गोली को हम इस तरह से हल्का सा फ्लैट करते हुए इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से हम चारों तरफ से प्रेस करेंगे, ताकि सुंदर सी डिजाइन पड़ जाए। तो बहुत ही अच्छी सी डिजाइन पड़ेगी, हल्का हल्का सा प्रेस कर देना चारों तरफ से। और अब हम इसको निकाल लेंगे, ये देखिए कितनी सुंदर डिजाइन हमारी पड़ गई है। इसी तरीके से हम सारी रेडी। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने सारे बना लिए, कितनी प्यारी डिजाइन पड़ गई है। अब चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने से पहले हम इस मिश्रण को एक बार फेंट लेंगे, क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है। अब इसके अंदर हम इस तरह से डालेंगे और इसको आगे पीछे से इस तरह से करके पूरा डीप कर लेंगे। और अब हम इस तरह से इसको इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से डालेंगे हल्का हल्का सा। तो चलिए बाकी भी हम कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है और बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डाल के दोनों तरफ से अच्छे से इसको कवर कर लेना घोल से, और फिर इसके बाद आप इसको इस तरह से रख के हल्का हल्का सा प्रेस कर देना और इस तरह से घुमा भी देना, ताकि चारों तरफ लग जाए। तो चलिए सारे कर लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने सारे कर लिए, आप चाहे तो इसे फ्रिज में भी लगा सकते हैं हवाबंद डिब्बे में भर के, और जब आपका मन हो आप निकाल के बना सकते हैं। तो मैं इसे फटाफट बनाऊंगी, तो चलते हैं बनाने के प्रोसेस। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ, यहाँ पे मैंने तेल रखा है पैन में, आप चाहे तो कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को हमें अच्छे से गर्म करना है, जो भी बर्तन लीजिए पैन या कढ़ाई थोड़ा सा भारी लीजिए। और जब आपका तेल गर्म हो जाए तो इस तरीके से हम नाश्ते को डाल देंगे। तो अगर आपका बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप कम डालना एक बार में, अगर मेरी तरफ बड़ा है तो आप एक बार में सारे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 5-6 डाल दिए हैं। अब मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे, हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है। 2 मिनट के बाद हम इसे टच करेंगे, यानी पलटेंगे। 2 मिनट से पहले आपको इसे टच नहीं करना है। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए, अब इसको हम टर्न कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है। और यहाँ पे हमने इसे लो फ्लेम पर पकाया है, और आपको भी लो फ्लेम में पकाना है, हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो ये देखिए टर्न कर दिया है सारे, अब इसे हम दूसरे साइड से भी 2 मिनट पकाने के बाद निकाल लेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट का टाइम हो चुका है, आइए अब इसे हम चेक करते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा सा हमारा कलर आ चुका है, कितने अच्छे से ये क्रिस्पी हो चुका है, अब इसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए टोटल इसको बनने में 4 मिनट का टाइम लगा है। तो चलिए फटाफट निकालने के बाद आपसे मिलते हैं थोड़े। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करार सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, जितना ज़्यादा देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में उससे ज़्यादा क्रिस्पी है, बहुत ही ज़्यादा चटपटा है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना कुरकुरा बना है। तो ये देखिए इस तरह से देख सकते हैं सारे ही हमारे काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं।
और ये बिल्कुल लंबे समय तक ऐसे ही रहेंगे अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करके बनाएंगे। और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है, बच्चे से लेके बड़े तक इसे खा सकते हैं। और इस वाली चटनी के साथ जब आप इसे इंजॉय करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। कैसी लगी आपको ये चटनी की रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चटनी की रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। आप इस चटनी को 10 से 15 दिन तक आराम से स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। आप चाहे तो इसे केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ इंजॉय कीजिए। और आप इसे चाय के साथ बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं। और जब भी आपको छोटी मोटी भूख लगे आप ये यम्मी से नाश्ते को बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए मुझसे वे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ इसे इंजॉय करने। आप भी बनाइए, खाइए। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई रेसिपी के साथ।